फटी हुई एड़ियों का जो मसला है वो हर एक किसी के साथ है विंटर में ख़ास जो सर्दियाँ आती हैं तो इसमें फटी एड़ियों का जो मसला होता है फटी एड़ियाँ फटे होंठ ये तो एक ख़ास तोहफा होता है सब के लिए तो आज इसके रेमेडी यूज़ करेंगे इसके सारे अज़ा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कौन कौन से अज्जा मैं शामिल करूँगी पहले पहले एक पेंसिल कॉपी अपने पास रख लें अज्जा लिख लें उसके बाद आपको बनाने का तरीका दिखाया जाएगा और आप लोगों ने पूरा वॉच करना है हर एक चीज़ की क्वांटिटी वगैरह हर एक चीज़ तो फटी एड़ियाँ इतनी बदनुमायाँ लगती हैं आपके जिसम में तो कहीं आने जाने में बड़ा मसला दिखाई देता है बंदा कहीं हर जगह मोजे भी नहीं पहन सकता तो इसको रिमूव कर दें इसकी डेड सेल को रिमूव कर दें डेड स्किन को उतार दें तो ज़्यादा बेहतर है थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन क्या करें जी ये भी एक ज़रूरी काम है सबसे पहले हमने लेना है एलोवेरा जेल इसमें हम लोग ताज़ा एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करेंगे कि हमने रेमेडी ऑन द स्पॉट लगानी है इस वजह से हमने रेडीमेड एलोवेरा जेल लिया उसके बाद हम लेंगे वैसलिन जो हर एक घर में हर एक के ड्रेसिंग टेबल पे अभी मौजूद होगी इस पर जितनी आपने एलोवेरा जेल की क्वांटिटी ली है उतनी ही आप लोगों ने वैसलिन की भी क्वांटिटी उतनी ही लेनी है ठीक है ज़्यादा कमी ज़्यादा कम नहीं करना आपने एक जैसी ही क्वान्टी लेनी है उसका लेनी ग्लासरीन ग्लासरीन आप कोई भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आप लोग घर में डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं और ग्लासरीन तो वैसे भी घर में बच्चों वाले घर में लाजमी रखनी चाहिए क्योंकि ग्लासरिन में अल्लाह तला ने ऐसी खूबियों से नवाज़ा है जो मुँह के छाले वगैरह पे ख़त्म करती है चौथे नंबर पे जी कैस्ट्रोइल कैस्ट्रोइल हमने आधा चम्मच लेना है ज्यादा नहीं लेंगे कैस्ट्रोइल की तासीर जो होती है वो गर्म होती है उसके बाद जो अगला जो इंग्रेडिएंट है वो हम लेंगे इसमें विटामिन ई e का सिरप विटामिन ई e का अगर सिरप आपको बोतल में नहीं मिल रहा तो आप लोग विटामिन ई e के दो कैप्सूल ले सकते हैं पांचवे नंबर है पांच बादाम का तेल बादाम का तेल आप लोगों ने लेना है आधा चम्मच ठीक है आधे चम्मच से भी कोशिश कीजिएगा कम ही लेना है आप लोगों ने ज़्यादा तेल हमने ऐड नहीं किया बहुत ज़्यादा जो है ना क्रीमी फॉर्म में ये चीज़ आ जाएगी एक पतला पतला पानी वाली टेस्ट आ जाएगा इसका टेस्ट नहीं शक्ल आ जाएगी तो इसको आप लोगों ने कोशिश करना है कम से कम जितनी क्वांटिटी बताई गई है और उसके बाद अगर आप लोगों को थिक लग रहा है पेस्ट तो आप लोग थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं इससे ये होगा आपकी रेमेडी परफेक्ट एंड परफेक्ट बनेगी ठीक है उसके बाद हम लेंगे एक अदद सिर्फ वाइटमिन वाइटमिन का नहीं वाइटनिंग का वाइटनिंग का वाइटनिंग का हमने एक अदक कैप्सूल ऐड करना है इसके बीच में ये रेमेडी आप हटी एड़ियों पे भी लगा सकते हैं अपने होठों पे भी यूज़ कर सकती हैं और अपनी फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद आ जाता है अगला प्रोसेस को क्या करना है हमने उसके बाद एक फ्राई पैन ले लेना है अपने स्टोव को ऑन कर लेना है उसमें हमने पानी भर के ये जो रेमेडी आपने बनाई है इसको हम लोग थोड़ा सा बाई स्टीम क्योंकि हमारी वैसलिंग जो होती है इसमें मेल्ट नहीं हो पा रही थी और हमने इसको मेल्ट करना है ठीक है ये मेल्टेड फॉर्म में आ गई है हल्का सा हमने स्टीम इस इसको दे के मेल्ट कर लिया और कोई भी जार बॉक्स आपने ले के उसको आपने अपनी जो रेमेडी आपने रेडी की है एड़ियों के लिए और होटों के लिए आपने इस जार बॉक्स में डाल देना है जार बॉक्स डाल में डालने के बाद आप लोगों ने इसको एक से डेढ़ घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए जो आपके फ्रीज़र के भी कूलिंग चल रही हो उसको आपने थोड़ी देर के रखना है ताकि ये अपनी टेम्परेचर पे आ जाए और थोड़ी जम भी जाए उसके बाद अपने होटों में डेली बेसिस पे लगाएँ अपनी एड़ियों पे लगाएँ और आप लोगों के सामने रिज़ल्ट कितने मज़ेदार से रिजल्ट से हैं इसके नीट एंड क्लीन एड़ियाँ हैं नीट एंड क्लीन आपके होंठ हैं आपके लिप्स बिल्कुल रिपेयर हो चुके हैं आपकी एड़ियाँ रिपेयर हो चुकी हैं तो रेमेडी आप लोगों ने लाजमी यूज़ करनी है इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है ताकि मैं अगली रेमेडी आप लोगों के लिए रेडी कर सकूं टाइम से ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरे जो यूट्यूब की फैमिली है मेरी वीडियो को पसंद करती है और इसे अपने घर में इस्तेमाल भी कर रही है तो उम्मीद करूंगी आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे इतनी सारी मेहनत होती है इसे एक लाइक तो बनता है